तो गाइस अगर आपका बजट है 50,000 का एंड एक तरफ है एसस रोग फोन 5 एंड दूसरी तरफ है आईफोन 11 एंड आप एक कॉम्पिटिटिव प्लेयर बनना चाहते हो एंड आप जो है डिफरेंट डिफरेंट टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल T1 स्क्रीम्स होगी, एंड उसके लिए आपको कौन सा डिवाइस चूज करना चाहिए? मतलब एक तरफ आपको देखने को मिल जाता है iOS यानी कि आईफोन 11, दूसरी तरफ आपको देखने को मिल जाता है एक एंड्रॉयड डिवाइस जो है एसस रोग फोन 5 एंड वो स्पेशली जो है गेमिंग के लिए बना, ठीक है? एंड अप टू बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की आने वाली है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ मेन पॉइंट की तरफ, मतलब आपको कौन सा डिवाइस लेना चाहिए एंड कौन सा नहीं लेना चाहिए एंड जो लेना भी चाहिए वो क्यों लेना चाहिए, उसके बिहाइंड का रीज़न क्या है, सब एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। एंड गाइस बगमी के लिए आपको जो डिवाइस लेना चाहिए वो है आईफोन 11 एंड आईफोन 11 ही क्यों लेना चाहिए। आप सोचोगे कि भाई दूसरी तरफ एसस रोग फोन 5 भी है, वो स्पेशल गेमिंग के लिए बना है, ऐसा क्यों, iOS ही क्यों, ठीक है? तो वैसे इसका सिंपल सा रीज़न है, मान लो अगर आप कोई टूर्नामेंट खेल रहे हो, ठीक है, या फिर आप मान लो कॉन्करर के लिए पुश कर रहे हो, ठीक है, तो भाई आपको पता है जब आप पुश करोगे या फिर टूर्नामेंट खेलोगे जोन के एंड में 30-40 बंदे बचते हैं, जोन इतना छोटा रह जाता है तब भी इतने ज़्यादा बंदे बचते हैं एंड उस समय जो भूषण मच रही है भाई एंड्रॉयड में जो ही लैग देखने को मिलता है। आप कहते हो ना एसस रोग फोन 5 है भाई गेमिंग के लिए है, मतलब है तो एंड्रॉयड ही ना, उसमें पता क्या होगा, आपकी जो गेम का फ्रेम रेट है वो कम हो जाएगा, अपने आप ही गिर जाएगा एंड आपका जो 60 FPS है भाई वो कॉन्स्टेंट नहीं देगा, वो आपको जो है 50 या फिर 55 के बीच में या 40 के बीच में देगा, भाई इतना कम हो जाएगा। एंड आपको पता भाई एंड्रॉयड में लैग मार कसम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है यार, क्या ही बोल रहे हैं लैग के बारे में। एंड दूसरी तरफ अगर हम जाए आईफोन की तरफ तो इसका भी रीज़न सुनो, ये क्यों लेना चाहिए, ठीक है, एंड्रॉइड का तो रीज़न मैंने दे दिया क्यों नहीं लेना चाहिए। तो वैसे इसका ही सिंपल सा रीज़न है, अगर जोन के एंड में 30-40 बंदे बचने हैं ना तो भाई आईफोन में लैग ना के बराबर होता है एंड अगर आईफोन में आपको 60 FPS देखने को मिलता है ना तो भाई एकदम आपको फिक्स 60 FPS ही मिलेगा, मतलब बिल्कुल भी फ्रेम रेट नहीं करेंगे, ये नहीं हुआ कि 55 पे आ गया कभी 50 आ गया, मतलब यार कॉन्स्टेंट 60 पे ही रहेगा वो, ये सिंपल सा रीज़न है आईफोन का। एंड एग्जांपल के लिए आप जोनाथन गेमिंग को ही ले लो, भाई वो एक कॉम्पिटिटिव प्लेयर है, ठीक है, कितने टूर्नामेंट्स खेलते हैं लेकिन फिर भी आईफोन में खेलते हैं, एंड्रॉइड में क्यों नहीं खेलते, क्योंकि भाई आईफोन में पता है लैग ना के बराबर होगा एंड लास्ट जोन में भी FPS पूरे देखने को मिलेंगे एंड जो फ्रेम रेट है वो भी ड्रॉप नहीं होगा। एंड गाइस मैं आपको इसका एक और सिंपल सा रीज़न देता हूँ कि भाई अगर आप एसस रोग फोन 5 ले लोगे ना स्टार्टिंग के एक दो साल तो भाई एकदम सही चलेगा, आप बोलोगे भाई बढ़िया डिवाइस है, ठीक है, उसके बाद आपको जो लैग देखने को मिलेगा ना भाई जैसे दो साल कंप्लीट होंगे, ठीक है, एंड आपका जो डिवाइस आपको उसे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि भाई पबजी में बहुत ज़्यादा लैग देखने को मिलेगा एंड आपने जो मनी जो भी लगाया था उसके ऊपर वो जो आपके शॉर्ट टर्म के लिए काम आएगा, ठीक है। अगर आप दूसरी जगह आईफोन खरीदोगे तो भाई आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मतलब यार 3-4 साल तो कहीं नहीं गए, आप इसे जो है लॉन्ग टर्म के लिए इजीली यूज़ कर पाओगे, मतलब आप भी सोचो ना यार अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर पैसा लगाया तो आप भी यही चाहोगे ना कि आपकी जो चीज़ है कम से कम 3-4 साल तो चले एंड आईफोन में ऐसे ही है, एंड्रॉयड जो है शॉर्ट टर्म के लिए है, आपको 2 साल में चेंज करना पड़ेगा एंड जो आईफोन है वो आप 3-4 साल यूज़ करो, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो चेंज कर सकते हो अपना डिवाइस, वरना नहीं तो अपना आईफोन जिंदाबाद। एंड गाइस मैं भी आपको यही रेकमेंड करूँगा कि भाई अगर आपका 50,000 का बजट बनता भी है ना बड़ी मुश्किल से तो भाई आईफोन ही परचेज करना बेस्ट है आपकी BGMI के लिए। तो चलो गाइस यार आज की वीडियो से इतना ही, एंड गाइस आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो गाइस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड गाइस आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो गाइस जल्दी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, गाइस इसके साथ जो बेल आइकन है उसे भी ऑन कर देना। तो चलिए गाइस तब तक जाने का, मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।